हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए फ्रेश वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आधार न्यू पोर्टल जो लॉन्च हो चुका है उसके अंदर आप घर बैठे जो है एनरोलमेंट नंबर से या आधार नंबर से या वर्चुअल आईडी जैसे उनसे आप अपना जो आधार कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल पर संपूर्ण ए टू जेड संपूर्ण इस वीडियो के अंदर आप हम देखेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आप कैसे डाउनलोड करें। ओके, और वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आगे हमने क्या स्टेप किया है। ओके दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। और सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल के होम पेज पर आपको यहाँ पर सर्च करना है ई आधार। ओके, ई आधार आपको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पहला वाला जो UIDAI जो लिखा है उस पर आपको वेबसाइट है, वो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू टैब पर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, तो हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ऐसा कुछ इंटरफेस आज आपका आपके सामने कुछ आ जाएगा, तो आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाया गया है, गेट आधार है या अपडेट आधार है या फिर आधार सर्विसेज है और मीडिया कन्वर्टर है, वो कई सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या क्या चेक कर लेते करना है तो सब कुछ हम अगले वेब सीरीज़ के अंदर हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर अपना मोबाइल आधार का कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें वही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गेट आधार है, वहाँ पर क्लिक करना है। तो वहाँ से आपको डाउनलोड आधार है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से आपका न्यू टैब ओपन होगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो वो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला यही ऑप्शन है डाउनलोड आधार। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आधार डाउनलोड आधार पर क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद आपके पास जो भी है आधार कार्ड नंबर है, आधार नंबर है या फिर एनरोलमेंट नंबर है या फिर वर्चुअल आईडी है। ठीक है, वर्चुअल आईडी आपको आधार नंबर के नीचे दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो वर्चुअल आईडी जो आपको सिलेक्ट करना है तो वर्चुअल आईडी आपको 16 डिजिट का आएगा। ठीक है, और एनरोलमेंट नंबर है 28 डिजिट का आएगा और आधार नंबर है और 12 डिजिट का आएगा। ठीक है, तो आपको आधार पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा आएगा आपका वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा और आधार नंबर या वर्चुअल आईडी या फिर जो है एनरोलमेंट आईडी उसके अंदर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसके अंदर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हम देखते हैं अभी, ये डिटेल हम फिल कर लेते हैं अभी। हमने आधार नंबर और जो कैप्चा कोड है वो एंटर कर लिया है, उसके बाद हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर ओटीपी जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, ओटीपी वहाँ पर सेंड हो जाने के बाद आपको जो है नीचे डू यू वांट टू मास्क आधार कार्ड। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो आधार कार्ड है उसका जो पहला 8 डिजिट है उसके अंदर जो ऐसे चेक्स आ जाएंगे XX उसे रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और लास्ट 4 डिजिट ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे पूरा आपको आधार नंबर दिखाई ना हो तो आप यहाँ पर टिक मार्क ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा तो आपको XX आ जाएगा और लास्ट 4 डिजिट ही दिखाई देगा और यहाँ ऐसे होगा तो आपको पूरा आधार नंबर दिखाई देगा। ओके, ठीक है, उसके बाद आपको जो ओटीपी है जो आया मोबाइल नंबर रजिस्टर वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई आधार ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम इतना करते हैं, हमने ओटीपी एंटर कर दिया है, उसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेस होगी, तो प्रोसेस हो जाने के बाद आपको जो है आधार कार्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी प्रोसेस हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका आधार कार्ड है वो डाउनलोड, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। ठीक है, तो आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। उसके अंदर आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो आपका नाम अनिश भाई कुमार है तो आपको और बर्थ डेट 1989 है तो आपको जो है अपना नाम का जो पहला 4 डिजिट है वो आपको ले लेना है। ठीक है, ANIS। ठीक है, उसके बाद आपको जो डेट बर्थ डेट की जो सालवारी है
ईयर है बर्ड ईयर वो आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आपका पासवर्ड हो चुका है, ठीक है। तो आपका हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, तो हम देख लेते हैं आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए, ये आपकी जो फाइल है वो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। तो उसे आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर अपने जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर जो पीडीएफ ऑप्शन है वह उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों को आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के अंदर जरूर शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।